डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का कंप्यूटर बुक है और चैप्टर फाइव, इस चैप्टर का नाम है एनिमेशन इन प्रेजेंटेशन। तो इसके पहले जो चैप्टर था उसमें प्रेजेंटेशन पढ़ाया गया था, तो इसमें भी प्रेजेंटेशन जो है उसमें उस चैप्टर में जो है प्रेजेंटेशन में पिक्चर और आपका म्यूजिक साउंड ये सब लगाने के लिए बताया गया था। तो इसमें जो है स्पेशली एनिमेशन, आप किस तरह से प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से एक एनिमेशन लगा सकते हैं और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है, आप लोग या कोई भी अपने बातों को, अपने टॉपिक को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन के द्वारा पिक्चर दिखाते हुए या वीडियो दिखाते हुए उसको समझाता है। तो क्या होता है, जो बातें आप बोलते हैं, जो सामने जो कंपनी होती है या जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, उन लोगों को समझाने में आपको ज़्यादा मदद मिलता है। इसके अलावा आपकी बातें जो होते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उन लोग आपकी बातों को ज़्यादा केयर करके सुनता है। तो प्रेजेंटेशन इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने बातों को ज़्यादा इफेक्टिव रूप से कह सकें, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव टेक्स पिक्चर साउंड इटीसी। तो अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए आप उसमें टेक्स्ट लगाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, साउंड लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं जो उसमें प्रेजेंटेशन में आप यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बताया गया टू इंसर्ट पिक्चर, तो इंसर्ट पिक्चर मतलब किसी पिक्चर को आप कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे जो है उसका स्टेप्स बताया गया है। तो यहाँ पे उसका स्टेप्स बताया गया है, आप इसको पढ़कर आसानी से, जैसे होता है पिक्चर जो होता है उसमें फ्रॉम फाइल से आप जो पिक्चर लाना चाहते हैं उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टू ऐड मूवी और साउंड इन टू द प्रेजेंटेशन। आप अपने प्रेजेंटेशन में या तो मूवी मतलब कोई वीडियो आप उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर साउंड ऐड कर सकते हैं उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स बताया गया है कि किस तरह से आप उसको उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो स्टेप्स लिखा गया है, जैसे फॉर इंसर्टिंग ए पिक्चर इन पावर पॉइंट 2010, यहाँ पे बताया गया गो टू द इमेज ग्रुप फ्रॉम इंसर्ट टैब, इस तरह से आप इसको पूरा पढ़कर पता कर सकते हैं और उसमें जिस तरह से आपका मेन्यू खुलेगा उस तरह से आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एनिमेशन इन प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे जो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य था वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आप उस प्रेजेंटेशन में किस तरह से एनिमेशन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो एनिमेशन इंसर्ट करने से क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। कस्टम एनिमेशन, तो एनिमेशन जो या तो आपके पास पहले से दिया हुआ है या फिर एनिमेशन आप डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी आप उसको मैनेज करके लाते हैं। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ कस्टम एनिमेशन, तो कस्टम एनिमेशन यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलता है, फिर आपके पास जो एनिमेशन होता है आप उसको उपयोग करते हैं या फिर बाहरी एनिमेशन जो आप बाहर से डाउनलोड किए हुए हैं उसको उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन में कई अलग चीज़ें होता है, जैसे एनिमेशन मूव करता है और कुछ पैटर्न तक, मतलब है कि वो थोड़ा मूव करेगा और फिर रिटर्न आके फिर उसी को मूव करता है, तो उसको आप कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं, मोशन में स्पीड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप उसको उलट के लगा सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें जो है आप एनिमेशन में ये सब ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ जो मैचेबल साउंड हो उसको आप उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उसका स्टेप्स दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट व्हिच इज टू बी एनिमेटेड, आप एनिमेशन में आप टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जो है जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं या फ्लिप करना चाहते हैं उस तरह से आपका टेक्स्ट भी एनिमेट करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन, मतलब जो स्लाइड्स आप लगाए हैं, ट्रांजिशन मतलब वो मूव करता है और एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जब चेंज होता है तो किस तरह से चेंज होगा उसी को ट्रांजिशन कहा जाता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कंट्रोल द पैटर्न स्टाइल ऑफ डिस्प्ले ऑफ स्लाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑफ द स्लाइड इन द स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड जो है एक उसका चेंज होने का एक स्टाइल होता है, जैसे कि यहाँ पे किस तरह से आप करेंगे, यहाँ पे इतना स्टेप्स बताया गया है, उसमें स्पीड अप कर सकते हैं और जो स्लाइड आप चेंज करना चाहते हैं, जिस स्लाइड में आप उस अलग अलग ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो आप अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन के साथ आप साउंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना सारा ट्रांजिशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे वाइप लेफ्ट हो गया, वाइप राइट हो गया, वो आपका लेफ्ट से निकलेगा फिर राइट से निकलेगा, इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर सामने आके फैल जाएगा या फिर जो है फैला हुआ आएगा और आपका स्क्रीन पे सेट हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग ट्रांजिशन होता है, आप उसको जब कभी करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ टू सेट टाइमिंग फॉर ए स्लाइड शो, तो स्लाइड जो आप लगाए हुए हैं उसको आप एक स्लाइड को कितना देर तक आप रोक के रखना चाहते हैं उसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगर टाइमिंग आप
सेट करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो उतना देर तक, अगर 5 सेकंड का आप टाइमिंग दिए हुए हैं तो 5 सेकंड तक एक स्लाइड रुकेगा, फिर 5 सेकंड के बाद फिर दूसरा स्लाइड आ जाएगा। या फिर अगर टाइमिंग आप सेट नहीं करते हैं तो उससे समय में क्या होता है, आप जब कीबोर्ड का इंटर बटन या कोई भी बटन दबाते हैं तो फिर वो स्लाइड चेंज होता है, अदरवाइज़ वो स्लाइड फिर बिना बटन दबाए वो रुका हुआ रहता है। इस तरह का या तो टाइम सेट कर सकते हैं या टाइम सेट नहीं भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहेगा अगर टाइम सेट करते हैं आप, और अगर टाइम सेट नहीं करता है करते हैं तो फिर आपको हर बार जो है आपको बटन दबाना पड़ेगा, तभी आपका स्लाइड चेंज होगा। तो टाइम सेट का यही फंक्शन होता है। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है, तो इसका क्वेश्चन जो है 1 नंबर से यहाँ पे नहीं है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ ट्रू फॉल्स बतलाने के लिए कहा गया है। और इसमें शॉर्ट नोट 2 नंबर में दिया गया है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, और यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग क्या होता है ये दिया हुआ है। और 3 नंबर में व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर सेटिंग द टाइम फॉर ए स्लाइड शो। और 4 नंबर में यहाँ क्वेश्चन दिया हाउ विल यू इंसर्ट साउंड इन योर स्लाइड, तो साउंड आप अपने स्लाइड में कैसे इंसर्ट करेंगे, हाउ विल यू इंसर्ट ये पिक्चर इन योर स्लाइड, अपने स्लाइड में पिक्चर किस तरह से आप सेट करते हैं, ये सब पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हाउ विल यू ऐड एनिमेशन टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हाउ विल यू प्रेजेंट द टेक्स्ट इन ए स्लाइड इन डिफरेंट स्टाइल एंड लेआउट, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ डिस्कस 2A इन एनिमेटिंग द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बाय माउस क्लिक ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ लास्ट में, तो ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूँ। ये है चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, तो इसमें से ए और बी फॉल्स है और सी और डी ट्रू है, तो इसका आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। फर्स्ट में दिया हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन कंट्रोल्स द पैटर्न स्टाइल ऑफ डिस्प्ले ड्यूरिंग एंट्री ऑफ द स्लाइड। 2 नंबर में दिया हुआ है एनिमेशन, अप्लाइंग मल्टीमीडिया मीन्स यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ फाइल्स इन प्रेजेंटेशन लाइक ग्राफिक्स वीडियो साउंड एनिमेटेड पिक्चर्स etc आर कॉल्ड एनिमेशन। और 3 नंबर में रिहर्स टाइमिंग, दिस ऑप्शन फिक्सेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग ऑफ स्लाइड्स टू बी प्लेड बाय इटसेल्फ एज पर द सेट टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर सेटिंग टाइम फॉर ए स्लाइड शो, डिफरेंट मेथड्स फॉर सेटिंग द टाइम, ए नंबर में सेटिंग द टाइम मैनुअली, बी नंबर में यूजिंग द रिहर्स टाइमिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू इंसर्ट साउंड इन योर स्लाइड, आंसर दिया हुआ है टू इंसर्ट साउंड इन स्लाइड, स्टेप 1 सेलेक्ट the option movie and sound from insert menu, step 2 locate the source of movie or sound, step 3 click on open to insert. Question number 5, how will you insert a picture in your slide, to insert a picture in our slide step 1 select picture from insert menu, step 2 click on from file option, step 3 locate the source of picture, step 4 click on open to insert. Question number 6, write down the steps to apply transition effects in a slide, steps to apply transition effects, step 1 select the slide transition option from the slide show menu, step 2 select transition effect under apply to selected slides, step 3 set the speed and sound, step 4 from advanced slide set the way for the appearance. Question number 7, how will you add animation to the text object, to add animation to the text object step 1 click on custom animation from the slide show menu, step 2 click on add button, step 3 click on entrance and select effect, step 4 click on emphasis and select effect, step 5 likewise select effect from exit and motion paths tab. Question number 8, how will you present the text in a slide in different styles and layout,
We can present the text in a slide in different styles and layouts by using editing and formatting text option. Question number 9. Discuss two ways of animating the text objects by mouse click automatically. Two ways of animating the text objects. A number mein mouse click, selecting the mouse click tab means the action button performs its action when you move the mouse over it. B number automatically. Selecting automatically tab means the action performs automatic and slides change to the next one automatically. Question number 10, जिसमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 10 नंबर का आंसर दे दिया है. स्लाइड शो व्यू, और यहाँ पे चैप्टर 5 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है. अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे.